अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। सबसे अहम मुद्दे पर आज हम मालूमात हासिल करेंगे जिसके बारे में हिंद आंख लगाए बैठा है, जो कि है मुद्दाए बजट। तो देखते हैं ये रिपोर्ट ताज। इसी साल लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन और बाकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी के बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वजीरे दाखला ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेस्ट के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% तक कर दिया गया है। सरमायाकारी के लिए 7.55 लाख करोड़ आरकेएम सरमायाकारी से रोजगार बढ़ाने में बड़े तिजारत और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। वबा के असर से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि पर्सनल सरमायाकार की काबिलियत बढ़ाई जाए। इसके लिए सेंट्रल बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का रिस्क कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होगी। सेमीकंडक्टर तामीर के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, इससे तिजारत को भी बढ़ावा मिलेगा। गेमिंग और एनिमेशन बढ़ेंगे इकोनॉमिक का हिस्सा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजीसी सेक्टर से रोजगार की असीम उम्मीद है। ऐसे में एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टॉक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू ताकत के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरत पूरी कर सकेंगे। रोजगार और गरीबों के लिए ऐलान, पीएम ताकत मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का जिम्मा किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार को करने में होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। गैर मुल्क जाने वालों को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। एमएसएमई को 6,000 करोड़। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए नई तकरीबात शुरू होगी। 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदमेश्रम, एनएससी और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे, इससे इनकी कोशिशें और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑरिजिनल डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे, इनसे क्रेडिट तहरीकें मिलेंगी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिम्मेदारियां भी बनेंगी। पीएम ई विद्या प्रोग्राम का दायरा बड़ा। महामारी के दरमियान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को 2 साल तालीम से गाफिल रहना पड़ा। पीएम ई विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए खास एक टीवी चैनल प्रोग्राम को तकरीबात किया जाएगा। अब चैनल 12 से बढ़कर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय जबान में यानी कि इलाके जबान के आधार पर होंगे। कारोबारी तालीम को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की तहरीक की जाएगी। 400 नई पीढ़ी को वंदे मातरम ट्रेनें चलेंगी। 400 नई जनरेशन के वंदे मातरम वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल के दरमियान चलाई जाएंगी। 100 वजीर आजम तकातीय कार्गो टर्मिनल भी इस दरमियान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों को डिजिटलीकरण होगा। इलाके को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए इलाकों के साथ मिलकर काम करेंगे। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से जुड़े मदद शामिल है। अमृतकाल का बजट। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए मदद जाहिर करती हूँ जिन्होंने कोविड महामारी में यानी कि वबा में परेशानियों को देखा है। हम आजादी का अमृत यौम मना रहे हैं और ये अमृतकाल का बजट है जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। आजादी के 75 साल में 100 साल तक का ब्लूप्रिंट पेश कर रही हूँ।
आपको ये भी बता दें कि कोरोना से बजट पर क्या जिम्मा हुआ है। महामारी से हासिल हुए किसान, छोटे मंझोले, तिजारती और टूरिज्म सेक्टर को भी स्पेशल पैकेज के ऑक्सीजन की आस थी। जवानों को रोजगार का सपोर्ट चाहिए और इंडस्ट्री को लोन, टैक्स जैसी प्रोसेस से रिलैक्सेशन भी चाहते हैं। आपको बता दें कि हर साल बजट में होने वाली हलवा सेरेमनी को इस साल वित्त दफ्तर ने कोरोना का हवाला देकर कैंसिल कर दिया है। इस साल बजट डॉक्यूमेंट में छपाई से पहले नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद वजीर खाना के साथ सभी अफसर और कर्मचारी हलवा बना कर खाते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दफ्तर ने इस बार बजट के पहले होने वाले हलवा सेरेमनी का तहरीक नहीं किया। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज़।